ये देखिए सामने सबको एम्स जाने का रास्ता है, नौबतपुर अरवल यही रूट धरेंगे तो हम लोग चल जाएंगे। ये देखिए पाटलिपुत्र जंक्शन जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है। पाटलिपुत्र जंक्शन आने के बाद नॉर्थ बिहार से कनेक्टिविटी और ही अच्छा हो गया है। अब यहाँ सब देखिए पटना कैसा व्यू लग रहा है। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनिशाबाद चौक। आपको आज पटना का पूरा सिटी टूर करवाते हैं। मेरा पहला वीडियो जो पटना सिटी का था जो भी अच्छा वीडियो चला। देखिए दोस्त को भूख लग गया है, आ गए हम लोग खाने के लिए लिट्टी और ये। चलिए जैसे बोल रहे हैं मुकेश से यहाँ फेमस है, खाते हैं हम लोग। देखिए मुकेश खा रहा है लिट्टी, मैंने खा लिया है। यहाँ अनिशाबाद में ही है एक काउंटर है पोस्ट ऑफिस के पास, मुकेश यहाँ रेगुलर खाता है इसलिए आए हुए हैं हम लोग। खाए हाय। अभी हम लोग आ गए चिटकोरा पुल, यहाँ से हम लोग चले गए गर्दनीबाग पुल पर। ये देखिए अब हम लोग गर्दनीबाग पुल पर चढ़ेंगे। ये देखिए सचिवालय का ये हॉल्ट है। ये देखिए सामने आपका इको पार्क है।
ये अभी हम लोग चढ़ चुके हैं आरमुलक के पुल पर। ये सामने देखिए यहाँ पर है अटल पथ का, जो कि दीघा तक का है, जो मैंने आपको दीघा से दिखाया था। ये चाणक्य टावर है, इनकम टैक्स जाने का रास्ता है। हम लोग चलेंगे अभी पटना जंक्शन की ओर। ये देखिए आपका नीचे में हार्डिंग पार्क है। अब हम लोग आ चुके हैं जीपीओ का नंबर, सामने आपका जीपीओ है ऑफिस। ये सामने आप देख सकते हैं महावीर मंदिर है, पटना का बहुत ही फेमस मंदिर है। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लाई ओवर है। और देखिए यहाँ से आपको पटना जंक्शन का व्यू भी है, और इधर बगल में आपको महावीर मंदिर है। अब हम लोग चलते हैं राजेंद्र नगर की ओर। हम लोग इस वीडियो में पूरा पटना का टूर करेंगे और सभी जगह आपको दिखाएंगे पटना में कौन सा जगह कहाँ पर है। मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। रुके हैं चियाटाल पुल पर, जो कि हमेशा यहाँ पर जाम रहता है, जाम यहाँ खत्म होने का नाम ही नहीं रहता है। इसके बगल में आपका एग्जीबिशन रोड से ये पुल आ रहा है, और ये सामने आप देखिए बंदर है। ये देखिए पटना का बहुत ही पुराना ये ब्रिज है चियाटाल पुल, क्योंकि कनेक्ट करता है राजेंद्र नगर कंकड़बाग, और बाईपास जाने के लिए भी है। हम लोग चियाटाल पुल क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ देखिए अभी तक जाम है। देखिए पटना का कितना ट्रैफिक है इधर। यहाँ बहुत ही बड़ा बड़े आपका मॉल बन चुके हैं, जिसमें आपका ये ग्रेविटी मॉल है, जो कि अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, बहुत जल्द ये बन जाएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल। यहाँ देखिए मेट्रो का अभी तक काम चल रहा है।
ये देखिए हमारे देश का झंडा बहुत ही अच्छा से लहरा रहा है, और सामने आपका राजनगर टर्मिनल है, मेट्रो का काम चल रहा है और कुछ ही सालों में मेट्रो भी बनकर रेडी हो जाएगा। पटना बहुत ही ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है। देखिए जाम में हम लोग साइड से निकल रहे हैं, इधर से हम लोग इस रूट से चल जाएंगे हम लोग राजनगर के मेमोरियल के स्टेडियम के साइड। हम लोग अभी हम लोग सिटी की ओर जा रहे हैं। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज है। यह सामने में कुम्हार पार्क है। ये देखिए सामने आपका जो पुल है वो गायघाट पुल है, जो कि हाजीपुर की ओर कनेक्ट करता है। ये देखिए सामने है अगम कुआ मंदिर।
हम लोग अब आ चुके हैं गुलजार स्टेशन पास, स्टेशन रोड के पास। देखिए गुलजारबाग जंक्शन पर ट्रेन लगा हुआ है। देखिए जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। देखिए जाम लग चुका है। हम लोग नून के चौराहे पर पहुंच गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम है। धीमे धीमे कब से चले जा रहे हैं हम लोग। कहाँ पहुँच गए? पटना सिटी हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए पटना साहिब में बहुत बड़ा बड़ा आपका बिल्डिंग है, तो इसमें आपका स्मार्ट बाजार, डिजिटल, और इसके जस्ट बगल में आपको पटना साहिब जंक्शन है जो कि आपको सामने देख रहे हैं। व्हाइट कलर के ये जंक्शन बना हुआ है। यहाँ दिल्ली लाइन भी लगा हुआ है। ये देखिए पटना साहिब है जो कि सिखों के लिए फेमस है। यहाँ गुरुद्वारा भी है 10वें गुरु के। तो यहाँ से जो भी पंजाब से अमृतसर से आते हैं उनके लिए ये बेस्ट जंक्शन है। देखिए आपका पटना साहिब के जस्ट बगल में ही पटना साहिब पटना सिटी का मंडी है छोटा सा। ये रास्ता आपका मालूगंज के जाता है जो कि पूरा पटना में और बिहार में फेमस है राशन सामान के लिए। बहुत बड़ा मंडी है यहाँ पर। जो भी जितने भी ग्रोसरी आइटम है सभी होलसेलर सब यहीं से लेके जाते हैं।
हम लोग पहुंच चुके हैं मारूगंज। यहाँ से आपको राइट साइड जाइएगा तो मारूगंज का पूरा मार्केट लगा हुआ है, जबकि यहाँ से ही चालू हो गया है मार्केट। पटना सिटी से हम लोग अब जा रहे हैं अपने गोलघर की ओर, या हम लोग रूट ले लिए बाईपास रूट। बाईपास से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे मीठापुर। हम लोग जीरो माइल के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं ये बाईपास पर, जो कि पटना से लेके फतुहा तक का ये है कनेक्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं पटना की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बेरिया बस स्टैंड मोड़। इसका नाम भी आपका जीरो माइल है और बेरिया बस स्टैंड का नाम है। ये सामने देखिए आपका मेट्रो का काम इधर भी चल रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से। दो तीन सालों में मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग पहुंचे खेमनी चक, यहाँ भी मेट्रो के काम के चलते बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मीठापुर पुरानी बस स्टैंड। यहाँ से आपको गांधी मैदान जंक्शन इनकम टैक्स यही रूट से आपको निकल जाना है। ये देखिए ये पहले मीठापुर बस स्टैंड हुआ करता था, अभी जाके मेट्रो का ये बना हुआ है लोकेशन। ये कृषि भवन है देखिए पटना का, बहुत ही बड़ा कृषि भवन है। अब हम लोग आ गए जीपीओ पुल पर। यहाँ से आपको जाइएगा तो ये पटना जंक्शन के पीछे का ये मिल जाएगा गेट।
गेट नंबर 10 से है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। ये देखिए महावीर मंदिर पास फिर से आ गए हम लोग। ये सामने आपका पटना जंक्शन है। बहुत ही बड़ा जाम लगा हुआ है। अब हम लोग पहुंचे इनकम टैक्स गोलंबर। सामने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गोलंबर है। मेरा वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो कैसा लगा वीडियो को जरूर कमेंट में बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड होकर और भी वीडियो बना सकूं। आपके बिना सपोर्ट के मैं कोई भी वीडियो बना नहीं सकता, ना यूट्यूब पर सक्सेस कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें।